देश में जहां प्याज के दाम आसमान पर हैं, तो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश को प्याज उत्पादक राज्य माना जाता है, लेकिन यहां भी प्याज के दाम ने लोगों को रुला दिया है। दमोह के खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ऐसे में लोगों को प्याज खाने और खिलाने में भी रोना आ रहा है। प्याज के दाम में अचानक हुई बढ़ोतरी से घर का बजट बिगड़ा है। वहीं व्यापारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्याज पहले चलाते थे, अब भी चलाते हैं। हाँ, लेकिन उतनी ग्राहकी में कोई फर्क नहीं है। अपन क्वालिटी का सामान देना चाहते हो, देते हैं। तो आपको प्रॉफिट में क्या फर्क आ रहा है? प्रॉफिट में अब ये है कि अभी उतनी प्रॉफिट नहीं है। प्याज के भाव को लेकर क्या कहना है? प्याज तो महंगी है, लेकिन अपने दुकानदारी में अपन कोई बदलाव नहीं किया। पहले चलती थी, अब भी चलती है। प्याज का तेजी का कारण है, बारिश तेज होने की वजह से प्रांत में हर तरफ चारों तरफ बारिश की अधिक वर्षा होने के बाद जो अग्रिम प्याज दीपावली में नई आ जाती थी उसकी आवक ना हो सकी, उसकी पौध मारी गई और प्याज की फसल नष्ट हो गई। इसलिए प्याज के दामों में तेजी का कारण अधिक बारिश होने का कारण है। अभी क्या रेट भाव चल रहा है? अभी इस टाइम पे 50 से 60 रुपया किलो, मतलब मीडियम प्याज 40, 50 और 60 रुपया किलो, तीन भावों में प्याज चल रही है। बहुत परेशानी आ रही है। जो दो टाइम हम लोग प्याज जो डालते थे वो आज के जो एक टाइम डालते थे वो दो टाइम डालना पड़ रही है, और बल्कि किसी किसी दिन तो डालते ही नहीं है, शाम को भी नहीं डालते हैं, कोई नहीं। जिस सब्जी में ज़रूरत होती है उस सब्जी में डालते हैं, बाकी सब्जी में नहीं डालते। अब बच्चों को कुछ ऐसे लंच के समय ऐसे आइटम रखना पड़ते हैं कि उसमें प्याज ज़रूरी होती है, तो उसमें तो प्याज डालेंगे ही कैसे भी करके। तो ऐसी समस्या तो है, हमें सरकार से यही कहते हैं कि इसके दाम थोड़े कम किए जाएं, जिससे आम जनता आराम से खा तो सके। कुछ गरीब ऐसे रहते हैं जो सिर्फ प्याज और अचार खाते हैं, उसमें रोटी खा लेते और सब्जी तो खाते, सब्जी भी महंगी है तो वो सब्जी भी नहीं खा सकते। सब्जी बहुत महंगी हो गई है, प्याज 60 रुपये किलो हो गई है, गाय दिक्कत होने लगी, परेशानी। सब्जी वब्जी खा खा के परेशान हो रहे हैं। पहले खाते दो प्याज, अब एक प्याज खा रहे हैं। महंगी हो गई है, अभी और बढ़ने की संभावना है। बढ़ने की संभावना है, 70 तक की बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल काफी बारिश हुई है, बरसात की वजह से प्याज की फसल पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि प्याज की कीमतों में अभी गिरावट नहीं आने वाली। ऐसे में लोगों की जेबों पर अभी और भार पड़ने वाला है। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।